और अब बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां वन विभाग लाड़कुई द्वारा सागौन सिल्लियों सहित बुलेरो कार को जब्त किया गया है। आरोपी को भी धर दबोचा गया है। लगातार कार्यवाही से वन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। एक बार फिर लाड़कुई वन विभाग ने बड़ी कार्यवाही की है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग लाड़कुई सामान्य के रेंजर नवनीत झा को सूचना प्राप्त हुई कि लाड़कुई देवास बॉर्डर से सागौन का अवैध परिवहन किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद लाड़कुई के रेंजर नवनीत झा रेंज के अमले के साथ मौके पर पहुंचे और सागौन के अवैध परिवहन में शामिल एक बुलेरो कार सहित 20,000 से अधिक मूल्य के 13 नग सागौन की सिल्लियां जब्त की गई हैं। जानकारी के मुताबिक माफिया के द्वारा आष्टा ले जाई जा रही थी। वहीं इस कार्यवाही में परिक्षेत्र सहायक पिपलानी केएल, त्रिपलिया वनरक्षक राहुल परमार, यशवंत गोयल, चालक अर्जुन रामनिवास, छगन सुमेर अर्जुन सहित अन्य सुरक्षा कर्मियों की भूमिका रही। आपको बता दें कि लाड़कुई रेंजर नवनीत झा की अब तक की कार्यवाही में 60 से अधिक मोटरसाइकिल एवं 3 बोलेरो पिकअप, एक ट्रक, एक ट्रैक्टर, एक इंडिगो कार एवं 3 इको कार, एक बुलेरो सहित 11 चार पहिया वाहनों को जब्त कर राजसात किया जा चुका है। कल रात हमें मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि सराड़ी घुटवानी के जंगलों से देवास की ओर सागौन की लकड़ी का अवैध रूप से परिवहन किया जाए। प्राप्त सूचना के आधार पर हमारा गश्ती दल राहुल परमार, यशवंत गोयल के रूप में मौके पर पहुँचता है और घुटवानी से पिपलानी की ओर एक गाड़ी आती हुई दिखती है, बुलेरो गाड़ी। जब बुलेरो गाड़ी को रोक करके घेराबंदी की जाती है उसकी और उसे रोक करके सर्च किया जाता है तो उसमें सागौन के 13 नग रखे हुए थे जिसकी अनुमानित माप लगभग 0.25 घन मीटर है। सागौन की लकड़ी की कीमत 20 से 25 हज़ार रुपये के लगभग है और बुलेरो गाड़ी जो पकड़ में आई है लगभग उसका मूल्य वाहन मूल्य 3 लाख रुपये से अधिक का है। इस तरह कुल मिलाकर के 3.25 लाख रुपये की अधिक की जब्ती कल हमारे द्वारा की गई है।